कर दो। नमस्कार साथियों, मैं अनुराग गुप्ता सत्यादि शर्मा संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी के बीच आ चुका हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सौराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, जय राजस्थान और इसी के साथ जय मध्य प्रदेश के साथ क्लास को आगे बढ़ाता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में एक नया राज्य आ चुका है और ये पूर्वोत्तर भारत का एक नया राज्य जिसका नाम सिक्किम है, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि आज हमारा सिक्किम की राज्य के बारे में सामान्य जानकारियों के साथ जो चर्चा शुरू होगी उसका पहला लेक्चर आ चुका है। इससे पहले कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, आपको जानना है, आपको समझना है और ये हमेशा की तरह समझना है कि आपको वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और साथ में एक और चीज कहना चाहूंगा, लिंक को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करना है। जितना ज्यादा लिंक शेयर करेंगे क्लास में उतने स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, सिक्किम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या सिक्किम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सबसे पहले मैं सिक्किम के बारे में सामान्य जानकारियों पर चर्चा करूंगा और इससे पहले कि मैं सिक्किम पढ़ाऊं, आप सभी का एक सहयोग मेरे साथ बना होना चाहिए कि आप सबसे पहले वीडियो का लिंक शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सिक्किम का सामान्य परिचय। सिक्किम का सामान्य परिचय, तो ये जो फोटो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सिक्किम में कंचनजंगा की चोटियां हैं जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से देखी जा सकती है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से सुबह 4 बजे यदि आप सिक्किम की कंचनजंगा की चोटियों को देखते हैं तो ये सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण गोल्डन रंग की दिखाई देती है, यानी कि इनका रंग सुनहरी हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? सुनहरी। तो ये सुनहरी रंग में दिखाई देने वाला पर्वत जिसका नाम है कंचनजंगा पर्वत, ये सिक्किम का एक खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है जो कि हिमालय में पड़ता है। आपको ध्यान देना है कि सर ये दार्जिलिंग नाम की जो जगह है ये कहाँ है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिशा में है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में, भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल जिसके उत्तरी भाग में एक जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग नाम की जगह। और दार्जिलिंग भारत का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इन दार्जिलिंग में एक बेहतरीन पहाड़ी है जिसका नाम है टाइगर हिल। टाइगर हिल नाम की पहाड़ियों से यदि आप सिक्किम का कंचनजंगा देखते हैं तो सुबह की 4 बजे ये ऐसे गोल्डन रंग में दिखाई देता है। तो मैंने क्या कहा कि जब आप पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नाम के हिल स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां सुबह 4 बजे टाइगर हिल पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, तो उन पहाड़ियों से जब आप सिक्किम की कंचनजंगा की चोटी को सुबह 4 बजे देखते हैं और जब सूर्य का प्रकाश इन कंचनजंगा की चोटियों पर पड़ता है तो सिक्किम की ये कंचनजंगा चोटियां गोल्डन रंग में दिखाई देती है। तो ये सिक्किम है, सिक्किम की शुरुआत हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिक्किम के सामान्य चीजों के बारे में बात करते हैं। फलों का स्वर्ग सिक्किम। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कंचनजंगा का शिशु किसे कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है कंचनजंगा का शिशु यानी कंचनजंगा का बच्चा किसको कहते हैं? भारत के एक छोटे से राज्य सिक्किम को कहते हैं। यानी सिक्किम जो है, जो कि भारत का एक छोटा सा राज्य है, उसे कंचनजंगा का क्या कहते हैं? बच्चा या शिशु कहते हैं। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए भारत के किस राज्य को कंचनजंगा का शिशु कहते हैं, तो दोस्तों आपको जवाब देना है कि भारत के सिक्किम राज्य को कंचनजंगा का शिशु कहा जाता है। इसके बाद अगर यदि आपसे एग्जाम में यह पूछा जाए कि बताइए किस राज्य को फलों का स्वर्ग कहा जाता है, भारत के किस राज्य को फलों का स्वर्ग यानी कि हेवन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है सिक्किम। सिक्किम को भारत में हेवन ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का स्वर्ग कहते हैं। किस राज्य को फलों का स्वर्ग कहते हैं? फलों का स्वर्ग किस राज्य को कहते हैं? भारत के सिक्किम राज्य को कहते हैं। ये सिक्किम गवर्नमेंट का लोगो आपके सामने बना हुआ है, ये सिक्किम लिखा हुआ है, साथ में फलों का स्वर्ग भी लिखा है और पीछे अगर आप देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। पीछे अगर आप बैकग्राउंड में गौर से देखेंगे तो आपको व्हाइट रंग का बैकग्राउंड पर्वत के रूप में दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं कंचनजंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? कंचनजंगा पर्वत। तो इससे पहले कि मैं इसके आगे पढ़ाऊं,
आपसे एक अनुरोध है और विनम्र अनुरोध है और नम्रता पूर्वक अनुरोध है, प्यार मोहब्बत से किया गया अनुरोध है कि लिंक को जितना ज्यादा शेयर कर सके कर दीजिए। आपको मैं समय देता हूं, लिंक को जितना ज्यादा शेयर करेंगे ये टॉपिक पढ़ने में, ये क्लास पढ़ने में और ये वीडियो को देखने में आपको उतना मजा आएगा। जितना ज्यादा आप लिंक शेयर करेंगे मुझे भी उत्साह मिलेगा, आपको भी मजा आएगा और साथ में हर एक उस व्यक्ति को मजा आएगा जो इसको बाद में लिंक शेयर होने के बाद खोल कर देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि यहाँ आज सिक्किम पढ़ाया जा रहा है। सत्यादि शर्मा संस्थान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज क्या पढ़ाया जा रहा है? सिक्किम पढ़ाया जा रहा है। इंस्पेक्टर अंकित धर्मानंद, सीमा अथिया, राजभजन प्रजापति, दीपक जामरा, महेश डुडवे, राजभजन सीमा अथिया, सोनम यादव, दुर्गा कुशवा, आप सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए। जितना लिंक शेयर करेंगे उतना आज पढ़ने में मजा आने वाला है। और अब बात करता हूं सिक्किम के बारे में और क्या क्या खास बात है, सिक्किम का मतलब क्या होता है। तो आपको बताता हूं कि सिक्किम में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है लिंबू भाषा। कौन सी भाषा? लिंबू। लिंबू भाषा कहां पर बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है। ये वास्तव में भूटान की भाषा है, भूटान सिक्किम से लगा हुआ है और भूटान और सिक्किम के लोग एक भाषा बोलते हैं जिसका नाम है लिंबू भाषा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में लिंबू लैंग्वेज या लिंबू नाम की बोली बोली जाती है तो आपको उत्तर देना है सिक्किम। इस लिंबू भाषा में सिक्किम का मतलब क्या होता है? सू एंड ख्विम। सू एंड ख्विम मतलब सिक्किम को लिंबू भाषा में। सिक्किम को कौन सी भाषा में? ध्यान दीजिए, सिक्किम जिसे हम सिक्किम कहते हैं हिंदी भाषा में उसको लिंबू भाषा में क्या कहते हैं? सू एंड ख्विम। तो सू का मतलब क्या है? सू का मतलब होता है नवीन। सू का मतलब क्या होता है? नवीन मतलब नया, और ख्विम मतलब घर, नया घर। तो सर किसका नया घर या किसका नवीन घर? कंचनजंगा का नवीन घर या हिमालय का नया घर? हिमालय का नया घर किसे कहते हैं? सिक्किम को कहते हैं। लिंबू भाषा में सिक्किम का मतलब होता है सू और खिम। तो सू और खिम का मतलब हिंदी में क्या निकलता है? नवीन घर। किसका नवीन घर? हिमालय यानी कंचनजंगा का नवीन घर। यह आपको पता होना चाहिए कि लिंबू भाषा में सिक्किम का क्या मतलब है। दूसरी बात, सिक्किम को और क्या कहा जाता है? तो सिक्किम को फलों का स्वर्ग कहा जाता है। फलों का स्वर्ग, हेवन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, हेवन ऑफ फ्रूट्स। दूसरी बात, सिक्किम को क्या कहा जाता है? चावल की घाटी कहा जाता है। सिक्किम को भारत में चावल की घाटी। सर चावल का कटोरा किसे कहते हैं या धान का कटोरा किसे कहते हैं? धान या चावल का कटोरा भारत में किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ को भारत में चावल या धान का कटोरा कहते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य को चावल की घाटी कहते हैं तो सिक्किम को कहते हैं, क्योंकि यहां सिक्किम में चावल भारी मात्रा में उगाया जाता है। इस सिक्किम को कंचनजंगा का बच्चा या कंचनजंगा पर्वत का शिशु भी कहते हैं। कंचनजंगा जो कि हिमालय का एक पर्वत शिखर है, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे कि यह कौन से नंबर का पर्वत शिखर है भारत में और इसकी ऊंचाई कितनी है। लेकिन हिमालय का जो पर्वत शिखर है कंचनजंगा, इसका बच्चा किस राज्य को कहा जाता है? तो कंचनजंगा का शिशु यानी कंचनजंगा की औलाद या बच्चा सिक्किम को कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य, सर किस मामले में? भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सर कौन से मामले में? जनसंख्या या क्षेत्रफल? तो आपको मैं बता दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से यानी पॉपुलेशन के मामले में भारत के 28 राज्यों में सबसे छोटा कौन है? सिक्किम है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सर यहां की जनसंख्या अंदाजन कितनी है? 6 लाख के आसपास। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 6 लाख के आसपास है, मात्र 6 लाख। इसलिए इसे भारत का संख्या की दृष्टि से या पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कहते हैं। सर इस राज्य का आकार कैसा है? तो इस राज्य का आकार अंगूठे जैसा है। सर कैसे पता चल रहा है कि अंगूठा है? आपके हाथ में जो अंगूठा होता है ठीक उसी तरह इसका राज्य का आकार है। सिक्किम राज्य का आकार हमारे अंगूठे की तरह है। ये देख रहे होंगे आप, ये जो सिक्किम आपको दिखाई दे रहा है ये अंगूठे की तरह आकार रखता है। आपके हाथ का जो अंगूठा होता है उसी की तरह इसका आकार है। ऊपर से यह सिकुड़ा हुआ है और नीचे से यह थोड़ा चौड़ा है। तो सिक्किम का आकार किस तरह का है? अंगूठे जैसा आकार है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य का आकार या शेप
अंगूठे के समान है, तो आपको उत्तर देना है सिक्किम। सर इसे क्या क्या नाम से संबोधित किया जाता है? तो चावल की घाटी, चावल की घाटी, कंचनजंगा का शिशु, फलों का स्वर्ग, और उसके अलावा इसे और क्या कहते हैं? तो आपने अभी देखा फलों का स्वर्ग, चावल की घाटी, कंचनजंगा शिशु, और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। आगे बढ़ते हैं, आगे अगली बात इस राज्य की सीमाओं के बारे में बताइए सर, कि ये जो हमारा भारतीय राज्य सिक्किम है, इसके पड़ोस के राज्यों के बारे में भी बताइए, और साथ में इस सिक्किम के पड़ोस में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय देशों की सीमा लगती है उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिक्किम अपने किन किन पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाता है और किन किन पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है। देखिए सिक्किम जो है, आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, सिक्किम ये जो आप देख रहे हैं, इस सिक्किम के दक्षिण में, सिक्किम के दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। सिक्किम के दक्षिण में, ध्यान दीजिए, सिक्किम राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर ये यहां तक जो आपको राज्य दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम राज्य की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है, तो आपको उत्तर देना है पश्चिम बंगाल से लगती है। सिक्किम की सीमा भारत के कौन से राज्य से लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। दूसरी बात सर, इसके अलावा भारत का कौन सा राज्य सिक्किम से सीमा बनाता है? तो बंगाल के अलावा सिक्किम की किसी अन्य भारतीय राज्य से सीमा नहीं लगती है। सर आपने त्रिपुरा के खान पान के बारे में नहीं बताया। नेहा वर्मा जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी यह गलती हो गई है कि कल मैं आपको त्रिपुरा के खान पान के बारे में नहीं बता पाया, कल मुझे ध्यान ही नहीं रहा इस बारे में, बाद में पता चला, लेकिन तब तक जो है राम नाम सत्य हो चुका था, किसका? खान पान का, ठीक है ना, इसलिए माफी चाहता हूं। अब कभी आगे अगर मौका मिलेगा तो मैं एक छोटा सा रिकॉर्डेड वीडियो आपको त्रिपुरा के खान पान पर बना के डलवा दूंगा। त्रिपुरा के खान पान पर एक छोटा सा वीडियो सत्यादि शर्मा संस्थान के चैनल पर रिकॉर्डेड तरीके से डलवा दूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप देख लीजिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि त्रिपुरा का खान पान क्या है। आगे बढ़ता हूं कि सर इस राज्य की सीमाएं और किन किन देशों के साथ लगती है, तो बताता हूं, सिक्किम की सीमाएं पूर्व दिशा में आप देखेंगे तो भूटान से लगती है। सिक्किम के पूर्व में कौन है? भूटान। सर पश्चिम में कौन है? नेपाल। सिक्किम के पश्चिम में कौन सा देश है? तो नेपाल। और सर सिक्किम के उत्तर में कौन है? चाइना। यानी कि सिक्किम एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमाएं तीन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। कौन से तीन पड़ोसी देश? एक तो नेपाल, एक चाइना और एक भूटान। सर भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं तीन पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अपने तीन पड़ोसी देशों के साथ लगती है। सबसे पहले आप ये बात दिमाग में डाल दीजिए, लद्दाख नाम का जो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख, इस किस पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं लगती है? कौन कौन से पड़ोसी देश है? लद्दाख की सीमा एक तो अफगानिस्तान से लगती है, लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और चीन से लगती है। तो भारत के ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो एक तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? अफगानिस्तान, यानी कितने देशों से? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और चीन से। अब दूसरा नाम आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जो दूसरा नाम है जिसकी तीन देशों से सीमा लगती है, वो है सिक्किम। सिक्किम की किससे लगती है? सर सिक्किम की तीन देशों से सीमा लगती है। वो तीन कौन कौन से देश है, ध्यान से सुनिएगा, सिक्किम की अपने पड़ोस के कितने देशों से सीमा लगती है? तीन। कौन कौन? पश्चिम में नेपाल, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चीन। यानी कि सिक्किम की भी तीन देशों से सीमा लगती है। अब सर और कौन सा है? तो एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की भी तीन देशों से सीमा लगती है। सर कौन कौन से तीन देश है जिनसे अरुणाचल की सीमा लगती है? बताता हूं, एक तो है चीन, दूसरा है भूटान और तीसरा आपके सामने आता है कौन सा? चीन और भूटान के बाद तीसरा नंबर आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ, यानी कि हमारा यह तीसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश जिसकी सीमा तीन देशों से लगती है, चीन, भूटान और म्यांमार से। सर और कौन सा है, और कोई सा राज्य ऐसा जिसकी तीन देशों के साथ सीमा लगती हो? क्या सर पश्चिम बंगाल की लगती है क्या? भैया पश्चिम बंगाल की एक तो भूटान से लगती है और एक बांग्लादेश से लगती है, लेकिन तीसरा और किसी से नहीं लगती है। लगती है क्या?
पश्चिम बंगाल की, एक तो भूटान से लगती है पश्चिम बंगाल की, एक बांग्लादेश से लगती है, क्या सर और कोई राज्य से? नहीं लगती है। और कोई राज्य अगर आपके दिमाग में आया हो जिसकी सीमा तीन देशों से लगती है तो कोई सा नहीं। ध्यान दीजिएगा, तीन देशों से पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है, दो से ही लगती है। पश्चिम बंगाल की किन दो देशों से सीमा लगती है? एक तो भूटान से और एक बांग्लादेश से, यानी कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश और दो राज्यों की सीमाएं कितने देशों से लगती है? तीन, एक तो लद्दाख, एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ मैं आपको बताता हूं कि सर आपने बताया कि सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है, बिल्कुल बात सही है, सिक्किम की सीमा भूटान से लगती है, लेकिन कितने किलोमीटर लगती है भूटान के साथ? सिक्किम की भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है मात्र 32 किलोमीटर। कितनी लगती है सिक्किम की भूटान के साथ? कितने किलोमीटर सीमा लगती है सिक्किम के भूटान के साथ? जो सीमा बनती है, ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, कितने किलोमीटर की है? मात्र 32 किलोमीटर। सर नेपाल के साथ, सिक्किम के पड़ोस में पश्चिम दिशा में नेपाल भी है, सिक्किम के बगल में एक देश है नेपाल, नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है सर? तो नेपाल के साथ सीमा लगती, आपको बता देता हूं आश्चर्य होगा, मात्र 99 किलोमीटर, मात्र 99 किलोमीटर की सीमा सिक्किम की नेपाल के साथ लगती है। सर चीन के साथ कितनी लगती है? सिक्किम की चाइना के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? तो मैं बता देता हूं, सिक्किम और चाइना के बीच की बॉर्डर जो है वो सीमा है 220 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 220 किलोमीटर सीमा सिक्किम की चीन के साथ लगती। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाएगा कि बताइए सिक्किम राज्य भारत के किन किन पड़ोसी देशों से सीमा बनाता है? तो एक तो भूटान, एक नेपाल और एक चीन। भूटान पूर्व में, नेपाल पश्चिम में, चीन उत्तर में, और कितने किलोमीटर सीमा? 32 किलोमीटर भूटान के साथ, 99 नेपाल के साथ और चीन के साथ 220 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये आपको ध्यान देना है, आप समझ गए? तो अब अगर आप आगे समझना चाहते हैं, ऐसी बाकी बातें अगर आप आगे समझना चाहते हैं तो लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे मेरे भाइयों और बहनों, प्यारे देशवासियों, मित्रों, जितना ज्यादा लिंक आप शेयर करेंगे आपका उतना क्लास में मजा आता जाएगा। आपको केवल इतना करना है, लिंक को जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना क्लास में आपको नए नए फैक्ट मिलते जाएंगे और उतनी आपकी तैयारी सिक्किम के बारे में होती जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां जो सिक्किम आप पढ़ लेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रश्न जो सिक्किम से आएगा उसे कभी मिस नहीं कर पाएंगे, हमेशा प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। सिक्किम से जुड़ा जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर आप हमेशा दे पाएंगे, यह मैं वादा करता हूं। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ता हूं। अगली बात क्या है सर? सिक्किम के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सी घाटी है? सिक्किम राज्य के उत्तर पूर्व में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी घाटी है? तो भैया ये चुंबी घाटी है। कौन सी घाटी है? चुंबी। चुंबी घाटी मत लिख लेना भैया, चुंबी घाटी है, ठीक है ना? नहीं तो अपने युवा लोग बहुत अनाप शनाप लोग किस्म के लोग होते हैं, इसलिए युवाओं से कहना है कि चुंबी लिखना, चुंबी मत लिख लेना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना? ये अपने शादी होने के बाद जो करना है करो, लेकिन फिलहाल याद रखो यह कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट में कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी। सर कहां है ये बता देता हूं, चाइना, भूटान और सिक्किम के बीच में जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने तीर बनाया है, चाइना, भूटान और सिक्किम के बीच में जो ये मैंने आपको तीर बनाया है, ये जगह क्या कहलाती है? चुंबी घाटी। यानी कि ये जो आपको खंजर जैसी आकृति दिखाई दे रही होगी, ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई खंजर घुसा दिया हो यहां पर, मैं बता देता हूं आपको कैसे, ये देखिए आपको और स्पष्ट हो जाएगा। चुंबी घाटी कहां है? ध्यान दीजिए, चाइना, भूटान और सिक्किम के बीच में जो आपको खंजर जैसी आकृति दिख रही है, ये खंजर जैसी आकृति कैसे हुई सर? बता देता हूं कैसे बनती खंजर जैसी आकृति। ये खंजर जैसी आकृति जो आपको दिख रही है इसे कहते हैं चुंबी घाटी। ये चुंबी घाटी वर्तमान में किस राज्य के साथ में लगती है? सिक्किम राज्य के साथ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य में चुंबी घाटी स्थित है, तो आपको उत्तर देना है भारत के सिक्किम राज्य में चुंबी घाटी स्थित है। वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है? भूटान का अधिकार है। वास्तव में घाटी भूटान की है, लेकिन भूटान जो है वो हमारा पड़ोसी देश ही नहीं है,
है, बल्कि हमने भूटान को अपना संरक्षण भी दे रखा है। भूटान हमारा एक केवल पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि भूटान को भारत सरकार ने संरक्षण भी प्रदान कर रखा है। इसलिए भूटान में यदि चीन कोई गड़बड़ करता है तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भूटान की रक्षा करें। इसलिए चुंबी घाटी जो कि भूटान के क्षेत्र में पड़ती है वो भारत के सिक्किम राज्य से लगती है। यहाँ चीन हमेशा हमला करता रहता है, इसलिए चुंबी घाटी एक ऐसा सामरिक क्षेत्र है जिसे भारत सरकार की सुरक्षा करना बहुत अनिवार्य है। भारत सरकार का यहाँ सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पूर्व में भूटान है, पश्चिम में नेपाल है, उत्तर में चीन है और उत्तर पूर्व में चुंबी घाटी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगली लाइन में लिखा है सिलीगुड़ी गलियारा। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे, क्या पूछेगा, ये पूछेगा कि बताइए भारत का सिक्किम राज्य या भारतीय राज्य सिक्किम भारत की मुख्य भूमि से, भारत की कौन सी भूमि से, मुख्य भूमि से यानी कि पश्चिम बंगाल से कौन से गलियारे के तहत जुड़ता है, यानी कि वो कौन सा गलियारा है जो सिक्किम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है। तो ये सिलीगुड़ी गलियारा है। सिलीगुड़ी गलियारा 27 किलोमीटर सकरा गलियारा, 27 किलोमीटर सकरा गलियारे के माध्यम से, 27 किलोमीटर सकरा गलियारा जिसे हम चिकन गलियारा भी कहते हैं या चिकन नेक भी कहते हैं, चिकन नेक गलियारे के द्वारा सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत भारत की मुख्य भूमि से जुड़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर भारत से या सिक्किम से जोड़ने वाले गलियारे का नाम क्या है, सिलीगुड़ी गलियारा। ये सर सिलीगुड़ी मतलब क्या, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है। पश्चिम बंगाल राज्य में सिलीगुड़ी नाम की एक जगह है, इसी जगह से एक गलियारा है जो एक भूमि गलियारा है, यूं कहें जमीन का गलियारा है। और इस गलियारे का एरिया कितना है, 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर सकरा गलियारा जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, ये गलियारा पश्चिम बंगाल राज्य में है। इस गलियारे के द्वारा सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत भारत की मुख्य भूमि से जुड़ते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत की मुख्य भूमि से या मुख्य जमीन से कौन से गलियारे के द्वारा जुड़ते हैं, तो चिकन नेक गलियारा यानी सिक्किम का जुड़ाव कौन से गलियारे से है, चिकन नेक गलियारा जिसे हम सिलीगुड़ी गलियारा भी कहते हैं। अब दूसरी बात, भारत की दृष्टि से सिक्किम बहुत ही सामरिक और रणनीतिक महत्व वाला राज्य है। भारत की दृष्टि से सिक्किम बहुत ही सामरिक और रणनीतिक महत्व वाला राज्य क्यों है, सर बताता हूं। आपने अभी देखा कि जो सिक्किम है ये पड़ोस में एक तो चीन से सीमा बनाता है, ऊपर से बगल में देखो तो भूटान से सीमा बनती है, पश्चिम में देखो तो नेपाल से सीमा बनती है, और अगर इस सिक्किम से आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो पश्चिम बंगाल होने के बाद आप बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। यानी कि ये एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमले की संभावना रहती है, यानी कि हमेशा यह डर बना रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस क्षेत्र पर हमेशा चीन का हमला हो जाए या नेपाल भूटान कोई दिक्कत पैदा कर दे, या हमेशा ये खतरा रहता है कहीं ऐसा नहीं हो बांग्लादेश जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे एक जमाने में, ये भी इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसलिए इस क्षेत्र की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए भारत की दृष्टि से बहुत ही सामरिक और रणनीतिक महत्व वाला राज्य है जिसकी सीमाएं तीन ओर से पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो ध्यान रखिए, बांग्लादेश से दूरी कम होने के कारण, भूटान से निकटता के कारण, नेपाल से निकटता के कारण और चाइना से पास होने के कारण यह भारत की दृष्टि से बहुत ही सामरिक और रणनीतिक महत्व वाला जो है राज्य है, ये आपने समझा। इससे पहले कि आपको और आगे में बातें बताऊं और सिक्किम के बारे में और बातें करूं, आप यहां की ये जो लिंक है, वीडियो की लिंक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहें। और दूसरी बात चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और तीसरी बात वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप आगे सिक्किम का इतिहास मुझसे पढ़ना चाहते हैं कि सिक्किम की हिस्ट्री क्या रही है, सिक्किम राज्य भारत में कैसे जुड़ा, किस तरह से इस राज्य को भारत में जोड़ा गया, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो धैर्य बनाए रखिएगा, आगे मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो लिंक पहुंचा दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। विकास वर्मा खरगोन, लक्ष्मी डावर, अंकित चौबे, संध्या श्रीवास्तव, देवेंद्र राठौर, आप सभी का स्वागत है। संगीता मोरे, पायल साहू, राहुल बदोले, सीमा अथिया, आप सभी से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक पहुंचा दें ताकि ये क्लास सभी के काम आ सके और आप
सिक्किम अगर नहीं घूमने जा पा रहे हैं तो भी आप यहीं बैठ करके सिक्किम घूम सके। आगे बढ़ते हैं कि जो सिक्किम है ये पूरी तरह से भू आवेष्टित राज्य, मतलब इसका समुद्र से कोई संपर्क नहीं है, सागर क्षेत्र से और समुद्री क्षेत्र से इसका कोई संपर्क नहीं है, चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ राज्य है। चारों ओर से जमीन से घिरा क्यों है? बगल में भूटान है, उत्तर में चाइना है, पड़ोस में नेपाल है और नीचे दक्षिण में बांग्लादेश पश्चिम बंगाल है, यानी कि चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ राज्य, इसलिए इसे भू आवेष्टित राज्य कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा भू आवेष्टित राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा भू आवेष्टित राज्य कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा भू आवेष्टित राज्य कौन है? सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा 28 राज्यों में? वो भी सिक्किम है। पूर्वोत्तर भारत का इसे हिस्सा माना जाता है, यानी कि सिक्किम भारत के कौन से भूभाग में पड़ता है? पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर का मतलब क्या होता है सर? नॉर्थ ईस्ट में। सिक्किम भारत के कौन से हिस्से में पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और इसकी राजधानी क्या है? वर्तमान में इसकी राजधानी गंगटोक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम की राजधानी 1975 में विलय किया था सिक्किम को इंडिया में, हाँ दीपिका मीना जी मुझे पता नहीं था, आपने अच्छा हुआ मुझे बताया कि सिक्किम का विलय 1975 में हुआ था। मैं आपके इस बताने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि मुझे जानकारी मिली कि आपने अभी अभी बताया मुझे कि सिक्किम का विलय 1975 में हुआ था, लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखे, सब आगे बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। 1975 में आपको ये तो पता है कि सिक्किम का विलय हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, किसने करवाया था, वो कौन से नेता थे उस समय, कौन राजा थे सिक्किम के उस समय, देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारी चीजें, और सिक्किम का राजवंश, सिक्किम के राजा किस वंश के हुआ करते थे, सारी चीजें आगे मैं बताऊंगा। केवल इतने से बात नहीं बनेगी कि 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना था, इतने में याद नहीं होने वाला है, सारी हिस्ट्री आज मैं आपको सिक्किम की बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं सिक्किम का इतिहास। ये आ गया आपके सामने सिक्किम का इतिहास। आठवीं सदी में, यही इसलिए कह रहा हूं कि जल्दबाजी मत मचाइए। अगर आपको वाकई में सिक्किम के बारे में ढंग से जानना है तो धैर्य पूर्वक इस वीडियो को देखिए, आपको सिक्किम के बारे में छोटी से छोटी जानकारी यहां पर पता चल जाएगी। बात क्लियर है? अभी तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ आधे घंटे में, अब सिक्किम के इतिहास पर बात करेंगे। आठवीं सदी में, यानी कि हम कह सकते हैं आज से 1200 साल पहले, सन 701 से 801 ईस्वी के बीच, सन 701 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच, यानी 8 से लगभग 1200 साल पहले, तिब्बत से, कहां से? तिब्बत मतलब आज कहां है ये तिब्बत? चीन में, भारत के उत्तर में जो चीन है उसका एक राज्य तिब्बत है। तो 8वीं सदी में तिब्बत से यहां पर सिक्किम में बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ, यानी कि 8वीं सदी के पहले सिक्किम एक निर्जन सा क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? निर्जन सा क्षेत्र, मतलब यहां पर बहुत कम जनसंख्या या बहुत कम लोग रहते थे, और जो भी लोग रहते थे वो एक तरह से जनजाति वाले लोग थे। लेकिन 8वीं सदी में यहां पर क्या हुआ कि तिब्बत क्षेत्र से बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ। और फिर ये जो बौद्ध भिक्षुओं का तिब्बत में आगमन हुआ, ये कौन से बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में हुआ, तो मैं आपको उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताता हूं, उनका नाम बताता हूं जिनके नेतृत्व में यहां पर कई सारे बौद्ध भिक्षु तिब्बत में से सिक्किम में आए। तिब्बत से 8वीं सदी में कई सारे बौद्ध भिक्षु सिक्किम में आए, लेकिन किसने उनकी लीडरशिप की? उनका नाम है रिम्पोचे। रिम्पोचे नाम के बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में, तिब्बत से कई सारे बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के भिक्षु कहां पर आए? सिक्किम आए। कब आए? 8वीं सदी में। और यहां आकर के इन्होंने यहां पर बौद्ध धर्म का प्रसार और प्रचार किया। लेकिन बात ध्यान रखना कि सर, ये जो रिम्पोचे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था महापद्म संभव नाम के जो बौद्ध भिक्षु थे वो रिम्पोचे के गुरु थे। रिम्पोचे के गुरु कौन थे? बौद्ध भिक्षु रिम्पोचे के गुरु का नाम था महापद्म संभव। ये महापद्म संभव जो है ये कहां रहते थे? 8वीं सदी में इनका निवास हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में था। हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में बौद्ध भिक्षु महापद्म
संभव का निवास था। बौद्ध भिक्षु महापद्म संभव का निवास कहाँ था? भारत के हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में था। और ये जो मंडी क्षेत्र में महापद्म संभव जो रहते थे, इनके शिष्य का नाम था रिम्पोचे। ये रिम्पोचे नाम के जो शिष्य थे, ये तिब्बत से घूमते हुए कहाँ आए? सिक्किम आए। तिब्बत से यात्रा करते हुए सिक्किम आए, और जब ये सिक्किम आए तो उन्होंने यहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सर, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा का प्रचार किया? तो रिम्पोचे ने बौद्ध धर्म की तांत्रिक परंपरा का प्रचार किया, तांत्रिक बौद्ध परंपरा। ध्यान दीजिए, रिम्पोचे जिन्होंने सिक्किम में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उन्होंने बौद्ध धर्म की कौन सी परंपरा का प्रचार किया? तांत्रिक बौद्ध परंपरा। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम में सबसे पहले कौन से बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो रिम्पोचे ने कौन सी सदी में? आठवीं सदी में। यह आठवीं सदी में हिमाचल प्रदेश होते हुए पूरा तिब्बत पार करके कहां पहुंचे? सिक्किम पहुंचे। यानी कि रिम्पोचे पूरा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत होते हुए कहां आए? भारत के सिक्किम इलाके में आए, और यहां उन्होंने बौद्ध धर्म की कौन सी परंपरा का प्रचार किया? तांत्रिक बौद्ध परंपरा। तांत्रिक बौद्ध परंपरा का प्रचार इन्होंने यहां पर किया। अब आगे की बात पे चलते हैं। इसीलिए रिम्पोचे को सिक्किम में बुद्ध यानी कि द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। रिम्पोचे को सिक्किम में किस रूप में पूजा जाता है? भगवान बुद्ध का द्वितीय रूप यानी द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बाद सिक्किम के लोग अपने यहां किस बौद्ध भिक्षु को द्वितीय बुद्ध के रूप में पुकारते हैं? तो उनका नाम है रिम्पोचे। ध्यान दीजिए, सिक्किम की आबादी या सिक्किम के लोग महात्मा बुद्ध के बाद किस बौद्ध भिक्षु को द्वितीय बुद्ध के नाम से पुकारते हैं? तो रिम्पोचे को। रिम्पोचे को द्वितीय बौद्ध भिक्षु या द्वितीय बुद्ध के नाम से पुकारा जाता है। यह आपको ध्यान देना है। अब आते हैं आगे की बात पर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में आठवीं सदी में तांत्रिक बौद्ध परंपरा का उदय करने वाले बौद्ध भिक्षु श्री पद्म संभव जी का चित्र है। ये उनकी हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगी हुई एक फोटो है, जो बिल्कुल तांबे और सोने के द्वारा निर्मित की गई है। तांबे और सोने के द्वारा ये मूर्ति का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया है, और ये किसकी मूर्ति है? बौद्ध भिक्षु श्री पद्म संभव जी की है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का इतिहास क्या है? सर देखिए, आठवीं सदी में तो यहां पर बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ सिक्किम में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सत्रहवीं सदी के आसपास यानी सन 1642 ईस्वी में, सत्रहवीं सदी की बात है, जब भारत में एक प्रकार से मान के चल सकते हैं कि जब शाहजहां का शासन था, जब भारत में शाहजहां मुगल शासक शाहजहां का शासन चल रहा था, उसी दौरान सिक्किम में एक वंश की स्थापना हुई, जिस वंश का नाम है नामग्याल वंश। कौन सा वंश? नामग्याल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए 17वीं सदी में यानी कि सन 1642 में सिक्किम में कौन से राजवंश की स्थापना हुई या कौन से राजा के वंश की स्थापना हुई, तो नामग्याल वंश। ध्यान दीजिए, जब भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का शासन चल रहा था, भारत में मुगल सम्राट शाहजहां का जब शासन चल रहा था, उसी दौरान सिक्किम क्षेत्र में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसका नाम है नामग्याल वंश। नामग्याल वंश का संबंध कौन से राज्य से है? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नामग्याल वंश का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो सिक्किम से है। सर, ये नामग्याल वंश की स्थापना सिक्किम में कब हुई? 1642 में हुई। कौन सी सदी में हुई? 17वीं सदी के मध्य में हुई। लेकिन सर, ये जो नामग्याल वंश है, इसकी स्थापना की किसने? नामग्याल वंश की स्थापना करने वाले राजा का नाम या व्यक्ति का नाम क्या है जिसने सिक्किम में नामग्याल वंश को स्थापित किया? तो उनका नाम है फुंत सोंग नामग्याल। फुंत सोंग नामग्याल नाम के व्यक्ति ने, ध्यान दीजिए, फुंत सोंग नामग्याल नाम के राजा ने या यूं कहे व्यक्ति ने यहां पर नामग्याल वंश की स्थापना की। सन 1642 में तीन बौद्ध भिक्षुओं की प्रेरणा से ध्यान दीजिए, सिक्किम के तीन बौद्ध भिक्षुओं की प्रेरणा से यहां पर फुनसोंग नामग्याल नाम के व्यक्ति ने यहां पर नामग्याल राजवंश की स्थापना की। कब की? 1642 में। सर, ये सिक्किम के पहले राजा थे क्या? बिल्कुल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नामग्याल वंश का संस्थापक कौन था, तो फुनसोंग नामग्याल थे। सर, नामग्याल वंश के पहले राजा का नाम फुनसोंग नामग्याल। सर, ये कब से कब तक राजा रहे? 1642 से लेकर
1642 से लेकर 1670 तक, 1642 से लेकर 1670 तक ये सिक्किम के क्या रहे? महाराजा, यूं कहें राजा रहे। अच्छा सर, सिक्किम के राजाओं को क्या नाम से संबोधित किया जाता है? सिक्किम में राजा को राजा नहीं कहते हैं, बल्कि बौद्ध भाषा में चोग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्किम में राजा को किस नाम से संबोधित करते हैं? चोग्याल। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए सिक्किम में कौन सा वंश का शासन था, तो नामग्याल। अगर इसकी जगह गलती से अगर चोग्याल भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यह पूछा जाए कि सिक्किम में चोग्याल वंश की स्थापना कब हुई, तो 1642 में सिक्किम में राजा को या किंग को क्या कहा जाता था? किंग यानी राजा को चोग्याल कहा जाता है। इसलिए इस वंश का नाम चोग्याल वंश भी पड़ गया। चोग्याल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फुंतसोंग नामग्याल यहां के संस्थापक थे। 1642 से 1670 तक इन्होंने शासन किया। उस समय इन्होंने अपनी राजधानी सिक्किम में किस नाम से बनाई? तो फुंतसोंग नामग्याल ने उस समय सिक्किम की राजधानी युकसोंग नाम से बनाई। कौन सी नाम से? यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम की पहली राजधानी कौन सी है, युकसोंग है। सिक्किम की पहली राजधानी का नाम क्या है? युकसोंग है। और सिक्किम में राजा को क्या कहा जाता है? चोग्याल कहा जाता है। सिक्किम के पहले चोग्याल कौन थे? सिक्किम के पहले चोग्याल थे फुंतसोंग नामग्याल। फुंतसोंग नामग्याल ने सिक्किम में कौन से राजवंश की स्थापना की? नामग्याल की। कब की? 1642 में। कब तक राजा रहे? 1642 से 1670। मुगल काल में जब भारत में शाहजहां का शासन चल रहा था, उस समय यह शासन की स्थापना सिक्किम में की गई थी। उस समय सिक्किम इतना सा बड़ा नहीं था। उस समय सिक्किम में भूटान का कुछ भाग भी शामिल था, नेपाल का कुछ भाग भी शामिल था, और तिब्बत का कुछ भाग भी शामिल था, और साथ में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी भी उस समय सिक्किम राजवंश में आता था। ध्यान दीजिए, उस समय सिक्किम में कितना इलाका आता था, बताता हूं। जब चोग्याल वंश की सिक्किम में स्थापना हुई तो उस समय सिक्किम कितना बड़ा था? उस समय चोग्याल वंश या नामग्याल वंश इतना बड़ा था, यानी कि लगभग 75% भूटान, 50% नेपाल, और लगभग 20% बंगाल, और लगभग ये मान के चले तिब्बत का 2-4% क्षेत्र, और पूरा का पूरा सिक्किम, ये पूरा चोग्याल वंश के अंतर्गत आता था। कौन से वंश में आता था? चोग्याल वंश में आता था। यह आपको ध्यान रखना है। इस समय इतना बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा फुंतसोंग नामग्याल, जो कि वहां के पहले शासक थे। आगे बढ़ते हैं, अगली बात पर चलते हैं। यह नामग्याल वंश की स्थापना हो चुकी है, राजधानी क्या बनाई गई? युकसोंग। अब ध्यान दीजिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं किसका है? बौद्ध भिक्षु रिनपोचे का है। बौद्ध भिक्षु रिनपोचे, जिनकी जिक्र मैंने अभी किया था, इनका ये जो मूर्ति है ये कहां पर बनाई गई है? तो सिक्किम के नामची नाम के शहर में बनाई गई है। सिक्किम का एक शहर है नामची। जैसे सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, उसी तरह सिक्किम में वर्तमान में एक शहर है नामची, और उसी नामची शहर में बौद्ध भिक्षु रिनपोचे की मूर्ति लगाई गई है। ये मूर्ति वहीं से ली गई है। आप पीपीटी यूं कहें, ये इस फोटो पर देख रहे होंगे, इमेज पर देख रहे होंगे। आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ने के साथ अब देखते हैं अगली बात। सन 1814 में ब्रिटिश सेना ने कहां प्रवेश किया? सिक्किम में प्रवेश किया। कब किया? 1814 में। लेकिन इसके पहले क्या हुआ बताता हूं। 1814 के पहले क्या हुआ बताता हूं आपको। एक बहुत अच्छी खबर दे देता हूं कि सन 1700 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, सन 1700 ईस्वी में, या यूं कहें 1670 में, 1670 से लेकर 1700 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, सन 1670 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच सिक्किम का राजा या सिक्किम का चोग्याल कौन बना? तेनसुंग नामग्याल। ध्यान दीजिए, सिक्किम का राजा 1670 के बीच में या 1670 से लेकर 1700 के बीच में कौन बना? तेनसुंग नामग्याल बना। सर यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पहले राजा का नाम क्या था? फुंतसोंग नामग्याल। सिक्किम के पहले चोग्याल कौन थे, राजा कौन थे? फुंतसोंग नामग्याल। कब से कब तक? 1642 से लेकर 1670 तक। लेकिन 1670 में फुंतसोंग नामग्याल का बेटा
फुनसोंग नामग्याल जो कि सिक्किम के पहले राजा थे उनका बेटा तेनसोंग नामग्याल यहाँ का शासक बना और उसने अपनी राजधानी युकसोम से हटाकर क्या बना दी, रब देन तेन से नाम की राजधानी किसने बनाई, तो आपको उत्तर देना है सिक्किम के दूसरे राजा तेनसोंग नामग्याल ने, ध्यान से सुनिए, सिक्किम के दूसरे राजा तेनसोंग नामग्याल ने अपनी राजधानी युकसोम से हटाकर क्या बना दी, रब देन्तसे नाम की राजधानी किसने बनाई सिक्किम में, तो तेनसोंग नामग्याल ने, यानी कि सिक्किम की पहली राजधानी क्या थी, सिक्किम की पहली राजधानी थी युकसोम। कब बनी सर ये युकसोम राजधानी, 1642 में जब वहां पर नामग्याल वंश स्थापित हुआ, लेकिन 1670 में सिक्किम की नई राजधानी क्या बन गई, 1670 में सिक्किम की नई राजधानी बन गई रब देन्तसे। सर ये राजधानी कब तक रही, तो 1670 से लेकर 1814 तक, 1670 से लेकर 1814 तक सिक्किम की राजधानी क्या रही, सिक्किम की राजधानी रब देन्तसे रही। लेकिन 1814 में यह ब्रिटिश सेना का प्रवेश हो गया। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि 1642 में सिक्किम की राजधानी युकसोम बनाई गई और उसके बाद 1670 में सिक्किम की राजधानी क्या बनी, रब देन्तसे। तो 1670 से लेकर 1814 तक यानी कि लगभग 150 सालों तक सिक्किम की राजधानी क्या रही, सिक्किम की राजधानी रही रब देन्तसे। यह राजधानी किसने बनाई थी, तेनसोंग नामग्याल ने। तेनसोंग नामग्याल कौन थे, तेनसोंग नामग्याल फुनसोंग नामग्याल के पुत्र थे और सिक्किम के दूसरे नंबर के राजा थे। उन्होंने अपनी राजधानी जो रब देन्तसे बनाई थी वो कब तक सिक्किम की राजधानी रही, 1814 तक सिक्किम की राजधानी रही। लेकिन सन 1814 में जब अंग्रेजों की सेना ने या ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने सिक्किम में प्रवेश किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने 1814 में कहां प्रवेश किया, सिक्किम में। सर ये प्रवेश कैसे किया बताता हूं। 1814 में नेपाल और अंग्रेजों के बीच यानी कि इंडो नेपाल युद्ध हुआ। सन 1814 में कौन सा युद्ध हुआ, इंडो नेपाल युद्ध, जिसे हम गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सन 1814 में अंग्रेजों के बीच और नेपालियों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसे गोरखा युद्ध भी कहते हैं या इंडो नेपाल युद्ध भी कहते हैं। उस युद्ध के पश्चात 1817 में दो संधियां हुई। 1817 में अंग्रेजों के बीच और सिक्किम के लोगों के साथ में दो संधियां हुई, यानी कि इंडो नेपाल युद्ध के बाद में, ध्यान से सुनना, सन 1814 से लेकर 1816 तक, 1814 से लेकर 1816 तक अंग्रेजों के बीच और नेपालियों के बीच एक युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, इंडो नेपाल युद्ध। और जो ये इंडो नेपाल युद्ध हुआ, ये इंडो नेपाल युद्ध का एक और नाम क्या है, गोरखा युद्ध। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने सिक्किम के लोगों के साथ और नेपाल के लोगों के साथ एक संधि की, यानी अंग्रेजों ने इस युद्ध के समाप्त होने के बाद किन किन लोगों से दो संधियां की, एक तो संधि की किसके साथ, ध्यान से सुनना, अंग्रेजों ने गोरखा युद्ध की समाप्ति के बाद, गोरखा युद्ध कब खत्म हुआ, 1816 में, जीता कौन, अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों ने इस युद्ध की समाप्ति के बाद दो समुदायों से संधि की, एक तो नेपाल के सरकार से संधि की यानी नेपाल के राजवंश से संधि की और दूसरा सिक्किम के राजवंश से संधि की। यानी अंग्रेजों ने युद्ध के समाप्त होने के बाद सन 1817 में दो संधियां की, एक नेपाल के साथ और एक सिक्किम के राजा के साथ। नेपाल के साथ जो संधि हुई उस संधि का नाम है कौन सी संधि, सुगोली संधि। ध्यान दीजिए, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सन 1817 में कौन सी संधि हुई, सन 1817 में नेपाल के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सन 1817 में एक संधि हुई, कौन सी संधि, सुगोली की संधि। और एक और संधि हुई सिक्किम के राजा के बीच, सिक्किम के राजवंश के बीच और अंग्रेजों के बीच इसी दौरान एक संधि हुई जिसे कहते हैं तितालिया संधि। कौन सी संधि, तितालिया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए पहले इंडो नेपाल युद्ध के बाद या पहले गोरखा युद्ध के बाद सिक्किम और अंग्रेजी सरकार के मध्य कौन सी संधि हुई थी, तितालिया की संधि। ध्यान दीजिए, पहले इंडो नेपाल युद्ध के बाद या गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों और
अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में या अंग्रेजों और सिक्किम के लोगों के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो आपको उत्तर देना है तितालिया की संधि। तितालिया की संधि किस किस के बीच हुई है, तो आपको उत्तर देना है अंग्रेजों और सिक्किम राजवंश के बीच। कब हुई है? 1817 में। 1817 में तितालिया की संधि दो सरकारों के बीच हुई, एक तो अंग्रेज और एक सिक्किम। सर इस संधि में क्या हुआ? अंग्रेजों को इस संधि के द्वारा सिक्किम में प्रवेश करने का मौका मिल गया। इस युद्ध के बाद तितालिया की संधि से अंग्रेजों को युद्ध में प्रवेश करने का, यूं कहें सिक्किम में प्रवेश करने का मौका मिल गया। इसी तरह ध्यान से सुनिए, सन 1891 में क्या हुआ, ध्यान दीजिए, 1891 में अंग्रेजों तथा नामग्याल वंश के मध्य शांति संधि हुई। सन 1891 में अंग्रेजों और नामग्याल वंश के मध्य शांति संधि हुई, और इस संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सिक्किम की नई राजधानी किसे घोषित कर दिया? गैंगटोक को घोषित कर दिया। 1891 में जो अंग्रेजों और नामग्याल वंश के बीच संधि हुई, उसमें अंग्रेजों ने सिक्किम की नई राजधानी किसे बना दिया? गैंगटोक को। जब से लेकर आज तक गैंगटोक अंग्रेजों की, गैंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी बनी हुई है। तो आपको क्लियर हुआ, 1891 में अंग्रेजों और नामग्याल वंश के बीच जो संधि हुई, उसके द्वारा सिक्किम की नई राजधानी किसे बनाया गया? गैंगटोक को बनाया गया। एक और चीज सर, तितालिया की जो संधि हुई थी उसमें क्या हुआ, तितालिया की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सिक्किम की जो नई राजधानी बनाई वो थी तुमलोंग। कौन सी राजधानी? तुमलोंग। यानी कि अंग्रेजों ने सिक्किम की नई राजधानी तुमलोंग बनाई, और तुमलोंग जो है वो राजधानी कब बना? 1817 में। 1817 में तुमलोंग को, 1817 में तुमलोंग को सिक्किम की राजधानी बनाया गया। उसके बाद 1891 में तुमलोंग से राजधानी कहाँ आ गई? गैंगटोक आ गई। यानी कि सिक्किम की टोटल चार राजधानियां बनी। सिक्किम की टोटल कौन कौन सी राजधानियां बनी क्लियर कर देता हूं। सिक्किम की पहली राजधानी का नाम है युकसोम। सिक्किम की पहली राजधानी का नाम क्या है? युकसोम। ये कब बनी सर? युकसोम जो राजधानी बनी ये 1642 में बनी, जब यहां पर चोग्याल वंश की स्थापना हुई। युकसोम के बाद दूसरी राजधानी क्या बनी? रबदेंतसे यहां की दूसरी राजधानी बनी। सर रबदेंतसे को यहां राजधानी कब बनाया गया बता देता हूं। 1670 से लेकर 1814 तक रबदेंतसे को यहां राजधानी बनाया गया। लेकिन तीसरे नंबर पर राजधानी क्या बनी सर? तो तीसरे नंबर पर जो राजधानी बनी सिक्किम की, तीसरी राजधानी का नाम रखा गया तुमलोंग। तुमलोंग यहां तीसरी राजधानी बनी। सर ये तुमलोंग को राजधानी कब बनाया गया? 1817 में। 1817 में तुमलोंग यहां की तीसरी राजधानी बनी। और चौथी राजधानी कौन सी बनी सर? गैंगटोक। गैंगटोक सर त्रिपुरा के, गैंगटोक सर सिक्किम की राजधानी कब बनी? 1891 में। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम की कितनी राजधानियां रही है, चार राजधानियां। कौन कौन सी? पहली राजधानी युकसोम, दूसरी रबदेंतसे, तीसरी तुमलोंग और चौथी गैंगटोक। वर्तमान में राजधानी क्या है? गैंगटोक है। अब ध्यान दीजिए, गैंगटोक जो राजधानी बनी है ये सिक्किम का सबसे बड़ा नगर भी है। सिक्किम का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? गैंगटोक ही है। लेकिन सर ये जो तुमलोंग नाम की राजधानी बनाई गई थी, और जब ये 1814 में गोरखा युद्ध हुआ था उस समय यहाँ के राजा कौन थे? 1814 में गोरखा युद्ध के दौरान राजा कौन थे? तो उन राजा का नाम आपको मैं बता देता हूं कि उस समय चोग्याल वंश के राजा का नाम क्या था। चोग्याल वंश के राजा का नाम 1814 में आपको बता देता हूं, और इसी के साथ आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। दीपिका मीना, मुस्कान खान वगैरह वगैरह जो भी आप लोग यहाँ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ के राजा थे उस समय, उन राजा का नाम था, तसुक फुड नामग्याल उस समय सिक्किम के राजा थे, जब अंग्रेजों ने 1814 में नेपाल के साथ युद्ध किया था। गोरखा युद्ध जब हुआ था उस समय तसुक फुड नामग्याल यहाँ के राजा थे। बात क्लियर है? तो काना शर्मा, राहुल कुमार, विनी विश्वकर्मा, माजिद खान, भोलू दीक्षित, बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। सर यहां से आगे चलिए, ये लीजिए अगली बात।
आगे आ गए हैं। देखिए अभी तक आपने क्या समझा, 1891 में अंग्रेजों नामग्याल वंश के मध्य शांति संधि हुई, इसके बाद आजादी मिली भारत को, अंग्रेजों से भारत को क्या मिल गई, आजादी। कब मिली? 1947 में अंग्रेजों को भारत से आजादी मिली, या यूं कह ले भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत सरकार तथा सिक्किम की राजनीतिक सरकार के मध्य संधि हुई। जैसे भारत को आजादी मिली, भारत की उस समय की पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार ने सिक्किम की राजतांत्रिक सरकार के साथ यानी चोग्याल वंश के साथ एक संधि की। क्या संधि की? संधि यह हुई कि भैया जो सिक्किम है उसे भारत सरकार एक देश का दर्जा प्रदान करता है। सिक्किम की सरकार के साथ भारत सरकार की 1947 में एक बातचीत हुई और उस बातचीत में यह तय किया गया कि सिक्किम जो है उसे भारत सरकार एक देश मानता है, लेकिन यह देश भारत सरकार पर निर्भर रहेगा। यानी कि सिक्किम की जो विदेश नीति है, सिक्किम की जो रक्षा नीति है और सिक्किम की जो संचार नीति है, ये तीनों नीतियां भारत सरकार तय करेगी। ध्यान दीजिए, सिक्किम को आजादी के बाद भारत की सरकार ने एक अलग देश का दर्जा प्रदान कर दिया, यानी एक इसे कंट्री मान लिया गया, लेकिन भारत सरकार ने इसके विदेश मामले, रक्षा मामले और संचार के मामले अपने पास रखे। यानी कि भारत ने सिक्किम को एक देश तो माना, लेकिन उसके कौन कौन से मामले अपने पास रखे? विदेशी मामले, रक्षा के मामले और संचार के मामले, यानी कि सड़क, रेल, ट्रांसपोर्ट, परिवहन, हवाई अड्डे, ये सारे मामले, या फिर आप जो 5G 4G वगैरह का कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारे मामले किसने अपने पास रखे? भारत सरकार ने। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1947 में सिक्किम क्या था, तो 1947 में सिक्किम एक देश था। क्या यह पूरी तरह से स्वतंत्र देश था? नहीं था, यह भारत पर निर्भर देश था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं परजीवी देश था। परजीवी क्यों था? क्योंकि इसके विदेश, रक्षा और संचार के मामले किसके पास में थे? भारत सरकार के पास में थे। ध्यान दीजिए, 1947 में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक देश के रूप में नक्शे पर आ चुका था। लेकिन आगे बात करते हैं सर कि आगे क्या हुआ। 23 अप्रैल 1975 को सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय करवा लिया गया। 23 अप्रैल 1975 को सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय करवा लिया गया और नामग्याल राजवंश की समाप्ति हो गई। नामग्याल राजवंश की समाप्ति कब हुई? 23 अप्रैल 1975 को। और जिस दिन सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय हुआ, कब हुआ? 23 अप्रैल 1975। इसके लिए भारत सरकार को अपने संविधान में एक संशोधन करना पड़ा, और यह संविधान संशोधन क्या कहलाया, तो आपको बता देता हूं, 35वां संविधान संशोधन। सबसे पहले भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन अपनी संसद में पारित करवाया, जो था 35वां संविधान संशोधन। और इस 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था, 1974 में हुआ था, 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम में भारत सरकार के द्वारा एक जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह मतलब वहां की जनता भारत में शामिल होने के लिए वोटिंग कर रही थी, और इस वोटिंग में वहां की जनता ने 97.5% जनता ने भारत के पक्ष में वोटिंग की, यानी कि सिक्किम का भारत में विलय करने के लिए मतदान किया। ध्यान दीजिए, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की संसद ने सिक्किम में एक जनमत संग्रह करवाया, और इस जनमत संग्रह में सिक्किम की 97.5% आबादी ने यह तय किया कि सिक्किम को भारत का एक राज्य बन जाना चाहिए, एक अलग देश के रूप में सिक्किम हमेशा खतरे में रहेगा। इसलिए यहां पर जो संविधान संशोधन हुआ 35वां, उसके द्वारा यह कार्य किया गया और जनमत संग्रह करवाया गया। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी कि एक और संविधान संशोधन यहां लाया गया, 36वां, और इसके द्वारा सिक्किम को भारत का एक और पूर्ण राज्य बना दिया गया। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का। सिक्किम को भारत के 22वें नंबर के राज्य में शामिल कर लिया गया, यानी कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया और एक पूर्ण राज्य बन गया। कौन से नंबर का? 22वें नंबर का पूर्ण राज्य बन गया। अनुच्छेद 371 चा के द्वारा
संविधान में सिक्किम को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 371(4), अनुच्छेद 371(4) के द्वारा संविधान में सिक्किम को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था, तो आपको याद रखना है 35वां। कब लाया गया? 1974 में लाया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। ध्यान दीजिए, सिक्किम को भारत में पूरी तरह शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 36वां। लेकिन सिक्किम को भारत में सह राज्य के रूप में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 36वां नहीं, 35वां। सिक्किम के लिए भारत के संविधान सभा में, सिक्किम के लिए भारत की संसद ने कितने संविधान संशोधन किए? 2। पहला किया 35वां और दूसरा किया 36वां। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि यह पूरी तरह से भारत का राज्य नहीं बन पाया। और इसके लिए संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A। अनुच्छेद कौन सा? 2A। अनुच्छेद 2A के द्वारा सिक्किम को भारत के साथ एक सह राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। लेकिन एक ही साल के बाद 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। कौन से नंबर का पूर्ण राज्य? 22वां। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1975 में। सिक्किम का भारत में विलय कब हुआ? 1975 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से राज्य के रूप में? 22वें राज्य के रूप में। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिक्किम को भारत के साथ सह राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, तो आपको उत्तर देना है 35वां संविधान संशोधन कब आया था? 1974 में। दोनों समय प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। इसलिए यह फोटो आपके सामने, इंदिरा गांधी के साथ सिक्किम के चोगियाल। उस समय सिक्किम के चोगियाल का नाम क्या था? उस समय सिक्किम के चोगियाल का नाम, यानी राजा का नाम था पाल्डन थोंडुप नामग्याल। पाल्डन थोंडुप नामग्याल। सिक्किम के राजा कौन थे? तो सिक्किम के आखिरी राजा का नाम है पाल्डन थोंडुप नामग्याल। ध्यान दीजिए, सिक्किम के आखिरी राजा का नाम है पाल्डन थोंडुप नामग्याल। सिक्किम के पहले राजा का नाम 16वीं या 17वीं सदी में फुनसोंग नामग्याल। नामग्याल वंश की स्थापना फुनसोंग नामग्याल ने की, लेकिन सिक्किम के आखिरी राजा पाल्डन थोंडुप नामग्याल यहां के आखिरी राजा थे। ध्यान दीजिए, सिक्किम के लिए संविधान में कौन सा एक विशेष अनुच्छेद जोड़ा गया है? अनुच्छेद 371(4). बात कर लेते हैं अब 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य के रूप में शामिल हो गया। 16 मई 1975 आधिकारिक तारीख क्या है? 16 मई 1975। इस दिन सिक्किम भारत में 22वें राज्य के रूप में शामिल हो गया। संविधान संशोधन कौन सा सर? 36वां संविधान संशोधन। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। और ध्यान दीजिए, वर्तमान में सिक्किम की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 32 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। यानी कि संसद में सिक्किम कुल कितनी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? 2 सीटों का। संसद में सिक्किम टोटल 2 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए समझ लीजिए बात को, संसद में सिक्किम टोटल 2 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, तो आप लगभग मेरी बात समझ गए होंगे कि अभी हम जो बात कर रहे थे, अब सिक्किम के पहले राज्यपाल कौन बने सन 1975 में, जब सिक्किम में राज्य के रूप में सरकार की स्थापना हुई, तो वहां के पहले राज्यपाल बनाए गए बीबी लाल। 1975 में बीबी लाल सिक्किम के पहले गवर्नर बनाए गए। और वर्तमान राज्यपाल किसको बनाया है? वर्तमान राज्यपाल का नाम है श्री गंगा प्रसाद। श्री गंगा प्रसाद वर्तमान में सिक्किम के क्या हैं? राज्यपाल हैं। लेकिन सिक्किम के प्रथम राज्यपाल यानी फर्स्ट गवर्नर का नाम बीबी लाल है। अब आते हैं सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री जो है वो बने केजी लेंडुप दोर्जी।
केजी लेंडुप दोरजी सिक्किम के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। ये 1975 में जब सिक्किम में विधानसभा के चुनाव कराए गए तो उस समय ये यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर बने। 1977 में इनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला क्योंकि यहाँ शुरू में 2 साल आपातकाल रहा। आपको याद होगा कि भारत में 1975 से 1977 के बीच आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। उस दौरान यहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, लेकिन 1977 में जब विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए तो यहां पर पहले मुख्यमंत्री बने केजी लेंडुप दोरजी। ध्यान दीजिए, यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सर्वाधिक समय तक सिक्किम में चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। सर कितने समय तक बताता हूं? 24 साल 165 दिन, यानी कि 1994 से लेकर 2018 तक ये सिक्किम के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। कौन? पवन कुमार चामलिंग। 24 साल 165 दिन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 18 और 6 24, यानी कि 6 यहां से हो गया और 18 यहां से। 1994 से लेकर 2018 तक सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन थे? पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। पवन कुमार चामलिंग, ये आपके सामने जो फोटो है ये सिक्किम के वर्तमान चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग साहब का है। किनका है? प्रेम सिंह तमांग। ध्यान दीजिएगा, अगली स्लाइड पर चलते हैं। सिक्किम के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी कि सिक्किम प्रजातांत्रिक मोर्चा और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, एसकेएम और एसडीएफ, सिक्किम के दो प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम के प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, तो आप उत्तर देंगे कि सिक्किम के प्रमुख राजनीतिक दलों का नाम है एसकेएम और एसडीएफ। लेकिन इनके सिंबल क्या है सर? तो सिंबल आपके सामने है। सिक्किम के पहले राजनीतिक दल जिसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इस राजनीतिक दल का सिंबल क्या है? तो आपको दिखाई दे रहा है, एक नाइट लैंप है। नाइट लैंप मतलब जिसे आप रात में कभी अभी हो सकता है कि अगर आपको पढ़ने का जरूरत से ज्यादा शौक हो, रात की 3 बजे निशाचर की तरह उठकर पढ़ते हो, तो आपने रात में नाइट लैंप कभी कभी देखा होगा। बहुत सारे जो बड़े लोगों की औलादे होती है आपने देखा होगा, अंबानी अडानी जैसे की लोगों की औलादे, वो रात में नाइट लैंप लगा के पढ़ती थी। अपन ने नाम सुना है, याद है आपको? अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं, आपको याद होगा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं और उनका नाम है अब्राहम लिंकन। उनके बारे में कहा जाता था कि वो रात में बिजली के खंबे के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे और एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो हमारे यहां से भी एक भाई है, हमारा एक दोस्त है, वो भी बिजली खंबे के नीचे जाकर के पढ़ाई करने लगा। और जब वो बिजली खंबे के नीचे जाकर पढ़ने लगा तो एक दिन गलती से बिजली खंबे में पानी गिर रहा था, छू दिया, बिजली का खंबा भी गिर गया और वो आदमी भी गिर गया। यानी कि ध्यान रखें, हमेशा बिजली खंबे के नीचे बैठने से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए कई सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे मूर्ख को भी हराना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का जो सिंबल है, राजनीतिक चिन्ह है या चुनाव चिन्ह है, वो क्या है? नाइट लैंप है। और इसी के साथ एक और जो दूसरा दल है, इसने क्या अपना चुनाव चिन्ह बनाया? छाता। रंग बिरंगे छाते को, 3 रंग 4 रंग वाले छाते को इसने अपना चुनाव चिन्ह बनाया है। किसने? डेमोक्रेटिक फ्रंट ने। तो ध्यान दीजिए, जिस तरह बीजेपी का कमल का फूल है, ठीक है ना, जो कीचड़ में खिलता है, और दूसरा जो कांग्रेस का है हाथ का पंजा, ठीक है ना, और तीसरा बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी, इसी तरह यहाँ के चुनाव चिन्ह कौन कौन से वो आपने देखे और यहाँ के राजनीतिक दल कौन से वो भी आपने देखे। आगे बढ़ते हैं। सर एक बात और बताओ, सिक्किम उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? सिक्किम हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? 1975 में। 1975 में जब सिक्किम भारत में पूरी तरह शामिल हो गया 22वें राज्य के रूप में, तो उसी दौरान सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और सिक्किम हाई कोर्ट जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सर इसकी मुख्य पीठ यानी कि एकमात्र पीठ कहाँ है? गैंगटोक यहाँ की राजधानी में है। सिक्किम उच्च न्यायालय का जो पीठ है या मुख्यालय वो कहाँ है? गैंगटोक में है। दूसरी बात सर, सिक्किम के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो सिक्किम के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम है मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, मनमोहन सिंह गुजराल। सर यहां तो हमें 2 प्रधानमंत्री दिख रहे हैं एक साथ, एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक इंद्र कुमार गुजराल। नहीं, दो ने मिलकर एक नहीं बनाया है, ये पूरा नाम ही है कि मनमोहन सिंह गुजराल।
तो मनमोहन सिंह गुजराल साहब यहाँ के पहले पहले चीफ जस्टिस थे, यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट 1975, कौन? मनमोहन सिंह गुजराल। लेकिन वर्तमान में यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी। जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी वर्तमान में क्या है, क्या है? सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन सर हमने ये बात समझ में कुछ आई नहीं कि वर्तमान में जितेंद्र कुमार महेश्वरी जो है ये सिक्किम हाई कोर्ट के क्या है, चीफ जस्टिस। लेकिन वहां तो अधिकतर बौद्ध लोग रहते हैं। अरे भैया वहां लोग बौद्ध भले ही रहते हो, लेकिन हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने का काम भारत के राष्ट्रपति का है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर होता है। यानी कि भारत का कोई भी जज सिक्किम का मुख्य न्यायाधीश के रूप में यदि राष्ट्रपति नियुक्त करे तो वहां पर जाकर काम कर सकता है। तो सर ये जितेंद्र कुमार महेश्वरी जो है ये वास्तव में कहां के रहने वाले हैं? ये जितेंद्र कुमार महेश्वरी वास्तव में किस जगह के रहने वाले हैं? तो भैया ये जोरा के रहने वाले हैं। सर ये जोरा कहां है? ये जोरा जो है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जोरा तहसील से, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जोरा नाम की जगह से जितेंद्र कुमार महेश्वरी का जन्म हुआ था। यानी जितेंद्र कुमार महेश्वरी का संबंध मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जोरा नाम के स्थान से है और ये वर्तमान में सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मध्य प्रदेश के मुरैना के जोरा नाम के जगह पर जन्म में श्री जितेंद्र कुमार महेश्वरी है। यानी कि इनका संबंध मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से है। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ता हूं और यह मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि सिक्किम हाई कोर्ट का फोटो है। यह जो बारिश के समय हो सकता है किसी बेवकूफ ने लिया होगा, ठीक है ना, उसका कैमरे का विजन ढंग से काम नहीं कर रहा होगा तो ऐसा अटपटा फोटो ले लिया, ठीक है ना। वरना बारिश के बाद अगर सूरज की किरणों में फोटो लेता तो 3D में बेहतरीन फोटो आता। लेकिन जैसा भी है, ये क्या है, हमारे यहां के सिक्किम का हाईकोर्ट का मुख्यालय है, उसकी बिल्डिंग जो गैंगटोक शहर में है। चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में कुल कितने जिले हैं? सर 4 जिले। सिक्किम में टोटल कितने जिले हैं? केवल 4 जिले हैं। सर क्या-क्या नाम है इनके? नॉर्थ सिक्किम, इसका मुख्यालय क्या है? मंगन। नॉर्थ सिक्किम जिले का मुख्यालय का नाम मंगन है। साउथ सिक्किम के मुख्यालय का नाम नामची है। ईस्ट सिक्किम में गंगटोक है और वेस्ट सिक्किम का जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है गेजिंग है। यहां पर एक बहुत बेहतरीन डिश मिलती है सिक्किम में, मैं घूमकर आया हूं, थुकपा। थुकपा नाम की डिश जो है वो सिक्किम की बड़ी बेहतरीन डिश है और ये मैं खाकर आया हूँ। इतनी बेहतरीन डिश है कि उसके बाद दूसरी बार खाने की इच्छा नहीं हुई। जब हम सिक्किम घूमने गए थे, सत्यादि शर्मा संस्थान की पूरी टीम जब सिक्किम घूमने गई थी तो वहां पर थुकपा नाम की बेहतरीन डिश को खाया था, जो मैगी की तरह होती है। मैगी को पानी में 2-3 लीटर पानी में डाल के और हमें पकड़ा दी थी। ऐसी बेहतरीन डिश थी कि दूसरी बार हमने उस डिश को खाने का नाम नहीं लिया। चिंता मत कीजिए, आप भी कभी सिक्किम घूमने जाइएगा आपको भी थुकपा खाने को मिलेगा। थुकपा, थुकपा क्या होता है? सिक्किम का एक व्यंजन है। सिक्किम के एक व्यंजन का नाम क्या है? थुकपा है। थूकने लायक होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी थुकपा है। आइए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला सिक्किम का कौन सा है? उत्तरी सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम यहां का सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पूर्वी सिक्किम है। पूर्वी सिक्किम जिला यहां का सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम कहाँ है सर? ये पूर्वी सिक्किम इधर है भैया, ये देखो, ये पूर्वी सिक्किम। इसी में सिक्किम की राजधानी गंगटोक स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक कौन से जिले में है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक पूर्वी सिक्किम में, ये लिखा है। ईस्ट सिक्किम जिले का मुख्यालय गंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी भी है। इसी के साथ सिक्किम का इतिहास, सिक्किम की राजनीति और सिक्किम का सामान्य परिचय यही समाप्त होता है। कल फिर आऊंगा, कल हम सिक्किम के भूगोल के बारे में बात करेंगे, सिक्किम की कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे और सिक्किम के पर्यटन के बारे में बात करेंगे। पर्यटन क्या होता है सर? सिक्किम में कौन सी जगह देखने लायक है और कहाँ कहाँ की जगह पर क्या क्या चीजें सिक्किम में मौजूद है, वो सारी चीजें हम कल बात करेंगे। सिक्किम का खान पान, सिक्किम का नृत्य, सिक्किम के त्योहार, सिक्किम का वाद्य यंत्र और सिक्किम के घूमने लायक जगह कल सारा कंप्लीट हो जाएगा। बने रहिएगा सत्यादि शर्मा संस्थान के साथ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन लेकिन वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, भूलिएगा नहीं। सिक्किम को लाइक तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में सत्यादि शर्मा संस्थान के यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। शाम को 4 बजे ठीक आधे घंटे के बाद या पौन घंटे के बाद करंट अफेयर की क्लास गुप्ता सर के साथ, थुकपा सर के साथ नहीं, करंट अफेयर के साथ
क्लास गुप्ता सर के साथ ठीक 4 बजे शुरू होने वाली है। आ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।